हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेचुरल गैस के बारे में डेली बताते हैं कि नेक्स्ट डे कौन सा टारगेट रहेगा। तो 20 जून 2023 को, यानी कि ट्यूसडे को, क्या टारगेट रह सकते हैं नेचुरल गैस में, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि यहाँ पे इतना बढ़िया यहाँ पर ऊपर की ओर को ये मूव हमें जो देखने को मिला है, उसकी वजह से यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी गिरावट के साथ यहाँ पर ये ओपन हुआ है, और हमारे जो दिए हुए टारगेट है वो उसके नीचे ही ओपन हुआ है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर को गया है और हमारा जो ऊपर वाला टारगेट है उसे भी इसने अचीव कर लिया है। तो हमारे जो जितने टारगेट मैंने आपको बताए हुए थे वो सारे के सारे टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो गए हैं। और उसके बाद जो है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे की। तो यहाँ पर नेचुरल गैस ने जो यहाँ पर जंप लिया है, यहाँ पर ये जो जंप लिया है उसका जो मेन कारण था कि यूरोपियन कंट्रीज में सप्लाई की कमी हो गई है नेचुरल गैस की, और उसकी वजह से सप्लाई में अगर कमी आती है तो उसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस यहाँ पर ऊपर की ओर को हमें देखने को मिले हैं। साथ ही जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि फिलहाल जो टेम्परेचर है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो टेक्सिस है वहाँ का टेम्परेचर फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो फॉरकास्टेड है वो भी हीट वेव्स आने की वहाँ पर पूरी संभावना है, जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एज अ रिजल्ट वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी वजह से जो नेचुरल गैस की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में नेचुरल गैस का यूज़ भी किया जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइसेस जो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ यहाँ पे जो है ऊपर की ओर को जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड भी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं, ये आज का हाई था। और जो हाई होता है उसे आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले दिन का जो हाई है वो कहाँ पर है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम यहाँ पर यूजुअली दे दे सकता है। तो उसकी वजह से ये वाला 219.9 का ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए इस लेवल के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 221.6 का, और 221.6 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 223.8 का भी रह सकता है। और अब हम जान लेते हैं कि नीचे की तरफ को हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो ये लेवल है नीचे की तरफ का 216.1 का। अगर इस लेवल के नीचे 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 212.6 का। तो ये नेचुरल गैस में हमारे जो टारगेट्स हैं वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ को, दोनों को टारगेट्स मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है आप डेली हमारी नेचुरल गैस की वीडियो को भी ज़रूर देखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली शाम को आपके लिए जो डेटा वाली मैं वीडियोस लेके आता हूँ वो भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर वीडियोस अपडेट होती रहती हैं। तो अब हम यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।